नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कर्नाटक के कॉलेजों में उठा हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलुरु शहर में हिजाब विवाद को लेकर नई खबर सामने आई। यहां छात्राओं के एक समूह ने दावा किया कि उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। ये मामला मंगलुरु के पी दयानंद पाई सरकारी कॉलेज का है, जहां अपने सिर पर शॉल के साथ परीक्षा देने आई छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जानकारी ये भी है कि परीक्षा के दौरान उनका सामना ऐसे समूह से हुआ जो गुरुवार और शुक्रवार को इस मुद्दे पर विरोध कर रहा था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया है कि प्रिंसिपल ने मुस्लिम छात्रों को सिर पर शॉल पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन बिना किसी पिन के, जो इसे हिजाब जैसा बना देगा। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में कहा गया था कि उन कॉलेजों में धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जहां कॉलेज विकास समितियों ने छात्र ड्रेस कोड वर्दी निर्धारित की है। छात्रों में से एक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इस कथित छूट के बाद कुछ मुस्लिम छात्र गुरुवार सुबह कॉलेज में अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। जब अन्य छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के साथ उनका विवाद हो गया, तो प्रिंसिपल ने हमें बिना पिन के सिर पर शॉल पहनकर परीक्षा लिखने की अनुमति दी। जब हम परीक्षा दे रहे थे, तभी छात्रों का एक समूह आया और हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहने लगा। छात्रा ने कहा कि वो कौन होते हैं जो हमें जाने के लिए कहते हैं। पुलिस के मुताबिक विरोध करने वाले छात्र दूसरे कॉलेज के थे और वो कॉलेज का फैसला सुनकर यहाँ धरना देने आए थे। गुरुवार को पी दयानंद पाई कॉलेज में 5 छात्राओं को परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कुछ छात्रों ने उन्हें रोक दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।